नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू से बनने वाले इस ज़बरदस्त नाश्ते की रेसिपी को, जिसे आप बहुत ही कम समय में और कम चीज़ों से इस नाश्ते को बना पाएंगे। इतना ज़्यादा ये टेस्टी बढ़िया नाश्ता बनके तैयार होता है। अगर आपने इसे एक बार ट्राई किया तो इसे आप बार बार बनाएंगे, क्योंकि इसमें कोई झंझट नहीं है, बहुत ही कम सामान में ये बन जाता है। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं इस नाश्ते को। आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो शुरू करते हैं इस क्रिस्पी से नाश्ते को बनाना। इसे बनाने के लिए उबले हुए हमने यहाँ पे 3 से 4 आलू ले लिए हैं और इन आलू को मैंने उबाल कर छील लिया था। अब हम क्या करेंगे कि आलू को कद्दूकस करेंगे। तो इस तरीके से मैं इन आलूओं को कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम नाश्ता बना रहे हैं उसमें आलू के गुल्ठे वगैरह नहीं रहने चाहिए, तभी हमारा नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होगा। आलू को तो हमने कद्दूकस कर लिया है, अब हम थोड़े से इसमें मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने नमक डाला है स्वाद के अनुसार, और आधी चम्मच हमने यहाँ पे कलौंजी के दाने डाले हैं। अगर आप कलौंजी नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी जगह जीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। जैसे मैंने बताया था कि आज हम कम मसालों से ही नाश्ता को बनाएंगे, तो यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह इस नाश्ते में नहीं डाली है, और थोड़ा सा मैंने कुटा हुआ लाल मिर्च डाला है। इसकी जगह आप पिसा वाला लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, चाहे तो इसमें चाट मसाला या गरम मसाला भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ, तो बस इन मसालों को डालने के बाद मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया है और इसे मैंने 4 चम्मच डाल दिया है। अगर आप अब कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह आप चावल के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मैदा का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर गेहूँ के आटे का। तो जो भी आपको लगे वो आप इसमें मिला सकते हैं 4 से 5 चम्मच के करीब, या फिर इसे आप इस तरह से गूंथ के देखिए। बहुत ज़्यादा आलू को गीला नहीं रहना चाहिए, इस तरह से सूखा सा एक डो की तरह बनना चाहिए। अब हम इसे डो को तेल लगाकर चिकना कर देंगे इस तरीके से। और इस नाश्ता की खास बात ये है कि आप इसे इस तरीके से तैयार करके फ्रिज में रख दीजिए, और जब आपके मेहमान आए या फिर जब आपका शाम को मन करे तब आप इस नाश्ते को तलकर खा सकते हैं। तो इसे मैंने क्या किया है, डो बनाने के बाद एक बर्तन में इस तरीके से मैंने इसे फैला दिया है। इसे हमें थोड़ी देर के लिए इस तरह से फैला के छोड़ देना है। आप चाहें तो किसी प्लेट में भी इसे फैला सकते हैं, थाली या प्लेट पर फैला दीजिए। और मैंने इसमें फैला दिया है इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे कि इसे फ्रिज में छोड़ देंगे 10 से 20 मिनट के लिए। अगर आपको ज़्यादा देर तक छोड़ना है तो भी आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप इस तरह से इसे बनाकर रख सकते हैं और जब मेहमान आए तब आप तुरंत इसे निकाल कर तल कर उन्हें दे सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से ये नाश्ता बनता है। तो इसे मैंने इस तरह से फैला दिया है, पर ऊपर से मैं क्या करूँगी, थोड़ी सी इसमें हरा धनिया डाल देंगे इस तरह से, जिससे हमारा नाश्ता देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखने लगेगा। साथ में मैंने कलौंजी के दाने डाल दिए हैं। तो 10 से 20 मिनट के लिए अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे, और जो हमने धनिया और कलौंजी डाली है उसे हमने चम्मच से इस तरह से दबा दिया है ताकि वो भी इसी नाश्ते में सेट हो जाए। तो फ्रिज में रखते हैं इसे और फिर हम इसको तल लेंगे, और 10 से 20 मिनट बाद हम इस नाश्ते को निकाल लेंगे और चाकू की मदद से हम इसे मन चाहे पीसेस में कट कर लेंगे। यहाँ पे मैं चौकोर पीसेस में इसे कट कर रही हूँ, जैसे बर्फ़ी वगैरह होती है ना, ठीक उसी तरह है। तो बस जब आपके मेहमान आए तो आप इसे काट के तुरंत उन्हें तल कर खिला सकते हैं। इतना इजी तरीके से ये नाश्ता बनता है। तो मैंने इसे इस तरह से काट लिया है, तो चलिए अब इसे तल लेते हैं।
अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे तेल को गरम करने के लिए रख दिया है। यहाँ पे मैंने सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है, आप कोई भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आँच को धीमा या मीडियम पे कर सकते हैं और इस नाश्ते को जितना पैन में आए उतना डाल दीजिए। आप चाहें तो इस नाश्ते को तल भी सकते हैं, अगर सेकना ना चाहें तो इसे तल कर भी जल्दी से कढ़ाई में तल सकते हैं। अब हमने क्या किया है, इस नाश्ते को जब नीचे से सिक गया था तो इस तरह से पलट दिया है, और जब इसका हल्का सा देखें कलर चेंज होता हो जाता है तभी मैंने इसे पलटा है, इसलिए ताकि ये अच्छे से सिक जाए। और दोनों तरफ से अब देखें हमारा परफेक्ट नाश्ता सिक के तैयार हो गया है। ऊपर से ये क्रिस्पी रहेगा, अंदर से सॉफ्ट रहेगा, बड़े मज़ेदार रहेगा। आप इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बड़ा पसंद आने वाला है। और आप देखें इसमें तेल वगैरह भी ज़्यादा नहीं लगता है, बहुत ही कम तेल में ये बन जाता है। तो इस नाश्ते को अब मैंने निकाल लिया है इस प्लेट में। आप चाहें तो इसे हरी चटनी के साथ खा सकते हैं या फिर टमाटो सॉस के साथ, जैसे चाहे इस नाश्ते को गर्मा गर्म खा सकते हैं। इसके आगे आपको समोसा भी फीका लगेगा, क्योंकि बिल्कुल मज़ेदार सा ये नाश्ता बनके तैयार होता है कम मेहनत में। और इसे आप, मैं इस टमाटो सॉस के साथ खा रही हूँ, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, बड़े मज़ेदार ये नाश्ता बना है। इसे ट्राई करना तो बनता है, आप इसे ट्राई करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा हम